2021वें राष्ट्रीय रामायण मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी व समाजसेवियों के द्वारा की गई मां गंगा की आरती। लाल गोपालगंज प्रयागराज सोराम तहसील में स्थित श्रृंगवेरपुर घाट पर दिन रविवार को आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय रामायण मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए सोराव उप जिला अधिकारी जे रिभा श्रृंगवेरपुर घाट पर मुख्य यजमान के रूप में विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। तीर्थ पुरोहित काली साहिब त्रिपाठी ने मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना कराया। उसके बाद मां गंगा की आरती की गई और मेला को सकुशल संपन्न कराने हेतु रामायण मेला आयोजन समिति श्रृंगवेरपुर धाम के द्वारा श्री रामकथा शोध संस्थान के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तीर्थ पुरोहित काली साहिया त्रिपाठी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु राम को गंगा पार कराने के दौरान निषाद राज केवट से हुई वार्ता पर प्रकाश डाला। इसके बाद रामायण मेला अध्यक्ष डॉक्टर बालकृष्ण पांडे जी ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि मेला में हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस पर उप जिला अधिकारी जे रिभा ने यकीन दिलाया कि मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन हमेशा पूर्ण रूप से साथ रहेगा और हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस आयोजन में मौजूद गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें मुख्य रूप से महामंत्री उमेश द्विवेदी, जैन यादव, ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव, पूर्व चेयरमैन प्रदीप कुमार केसरवानी, कुंदन यादव, प्रधान रामचंद्र फौजी, जगदीश पटेल आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रयागराज जिले से ब्यूरो चीफ विनय विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। हमारे बीच में पधारे, मैं उनका राष्ट्रीय रामायण मेला आयोजन समिति की ओर से तथा क्षेत्रीय जनता की ओर से श्रृंगवेरपुर की पवित्र पावन धरती पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में सहृदय जिनके लिए आज पूरा सुराम तहसील जिक्र करता है कि संभवतः 23 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, ऐसे क्षेत्राधिकारी श्री जितेन गिर जी का मैं श्रृंगवेरपुर की पवित्र पावन धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में सुरक्षा अधिकारी आदरणीय थाना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको क्या करना है वो बस मुझे लिखित में दे दीजिए, उसका बोल जाएगी। वैसे मेरे उस दिन मीटिंग को कहा, अभी वो कह रहे हैं।